हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक किसी पर्टिकुलर शेयर से या उससे रिलेटेड बात नहीं करने वाले, हम एक फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि निवेशकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं यूट्यूबर, बच के रहना, कहीं आप लूट ना जाओ। तो ये कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर किसी यूट्यूब चैनल पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। ओके, बट मैंने YouTube वीडियो पे कल भी एक वीडियो देखा था और इसके अलावा मैं देखता आ रहा हूँ कि वो आपको ऐसे ऐसे शेयर बता रहे हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, बट ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी ऐसे एक दो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो ना, जिनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 2 लाख, 3 लाख। ओके, जिनके व्यूज़ भी आते हैं 20,000, 30,000, इस तरीके के उनके व्यूज़ आते हैं। मतलब इस तरीके के व्यूज़ आते हैं तो कितने लोग उस वीडियो को देखते हैं। उस वीडियो को देखने से अगर वो उस शेयर में, अगर 20,000 में से अगर किसी ने, 500 लोगों ने भी अगर उस वीडियो को में शेयर कर दिया, उस शेयर पर्टिकुलर शेयर में निवेश कर दिया जो उसने बताया, तो कितना लॉस कितने लोगों का हो जाएगा, आप खुद सोचिए। ओके, मैं उन यूट्यूबर से भी कहना चाहूँगा, प्लस मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उन यूट्यूबर्स से अगर आपको अच्छी सीख मिल रही है तो आप लीजिए, अदरवाइज उन्हें फॉलो मत कीजिए। ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। तो होता क्या है, होता ये है कि आपको ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, ओके, आपको ऐसे ऐसे शेयर बताते हैं कि पता ही नहीं उन्हें किस क्या कोई उन पर्टिकुलर कंपनी से पैसे मिल रहे हैं या क्या हो रहा है, कि वो इतने घटिया शेयर बताते हैं और पूरी नॉलेज नहीं देंगे आपको, पूरी नॉलेज भी नहीं देंगे, बस ऊपर से बता देंगे देखो ये भाग रहा है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अपर सर्किट लग रहे हैं, 4,000 का शेयर 2 रुपये पे आ गया और 2 रुपये का शेयर फिर 120 पे चला गया, वीडियो बना दी और फिर उसके बाद बता दिया इस शेयर को खरीदिए, तो आप कितने बड़े लॉस में जाओगे। आपको खुद नहीं पता कि ऑपरेटर्स क्या क्या करते हैं, किस तरीके से फंसाते हैं। ओके, और आपने 120 रुपये के, आपने देखा कि 2 रुपये का शेयर 120 हो गया और 120, और फिर एग्जाम्पल भी कैसे कैसे देंगे, एग्जाम्पल देके टाइटन का कि 12 रुपये का शेयर आज 1200 का हो गया, राकेश झुंझुनवाला ने खरीदा था, राकेश झुंझुनवाला करोड़पति अरबपति हो गया, कोई शेयर हो जाते हैं। ओके, उसने 2000 12 रुपये का शेयर 2000 में खरीदा था, 2000 ईयर की बात कर रहा हूँ। ओके, 2000 जो जो अपना ईयर चलता है उसमें 1999 में खरीदा, तब खरीदा था उस कंपनी में, अच्छी कंपनी थी, पता था, फंडामेंटल एनालिसिस किया, तब उसने वो शेयर खरीदा, टाटा की कंपनी थी इसलिए उसने वो शेयर खरीदा। बट अगर आप चाहोगे कि कोई भी शेयर को उठाया, 2 रुपये का शेयर 120 हो गया और 120 का शेयर अब 5,000 का हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ऐसे यूट्यूबर से और ऐसी वीडियो से दूर रहे, अदरवाइज आप निवेश करेंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। तो उस वीडियो पे मैं पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की बात नहीं करूंगा, भाई उस शेयर की बात करूंगा जो शेयर बताया गया था। ओके, और इसको कंपेयर करेंगे दूसरे शेयर से। तो अगर आपको ये वीडियो पूरी प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आप उन यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे, नाम मैं लूँगा नहीं, ओके, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, बट अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप पहचान भी जाएंगे। तो आप उनको फॉलो करिए या ना करिए ये मैं नहीं कहना चाहता, मुझे फॉलो करिए या मत करिए मैं ये भी नहीं कहना चाहता। ओके, और आँख मूंद के तो किसी पर भी विश्वास मत करिए, किसी को भी आप फॉलो मत करिए, अपनी फंडामेंटल एनालिसिस भी करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे और भारी इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया तो आप डेफिनेटली डूब जाओगे और फिर मार्केट में कभी भी वापस नहीं आओगे। यही रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है, क्योंकि वो 2 रुपये 4 रुपये का शेयर देख के, वो 100 रुपये का शेयर देख के कि 2 का 120 हो गया तो 120 का 1200 हो जाएगा, 12,000 का हो जाएगा, इस तरीके का सोच के वो इन्वेस्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं, और आपका शेयर फिर 1200 की जगह 500 पे तो चला जाता है, पर 500 से जैसे ही 0 पे आता है ना, आप नील बट्टे सन्नाटा हो जाते हो, आप ख़त्म हो जाते हो, फिर शेयर मार्केट को कह देते हो कि शेयर मार्केट बुरा है। ओके, तो इस तरीके से मत करिए, इस उन्हें भी फॉलो आप करते हैं तो करिए, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं तो फॉलो करिए, नहीं दे रहे तो आपकी खुद की भी एक सेंस ऑफ ह्यूम, आपका भी खुद का सेंस होता है, आपकी खुद की भी नॉलेज होती है। ओके, आप उसको लगाइए, उसके हिसाब से देखिए, ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करिए। ओके, आपको शायद मैं बुरा लग रहा हूँगा तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ये यूट्यूब ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने
इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में जब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको फ्रॉड से रिलेटेड प्लस में शेयर बाजार से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप अच्छे शेयर में बने रहे, इस यही मैं कामना करता हूँ। तो ऐसी उस वीडियो की तरफ तो नहीं मैं प्ले करूँगा, क्योंकि वीडियो की प्ले करना ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ मैं आपको शेयर की तरफ ले चलता हूँ। तो शेयर है ये ट्रांस ग्लोबल फूड एंड फूड एसेट VTG। तो देखिए ये जो शेयर है ये FMCG का शेयर है। अब FMCG का मतलब ये नहीं है कि अगर नेस्ले चल रहा है तो ये भी भागेगा, ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है तो ये भी भागेगा, टाटा कंज्यूमर चल रहा है तो ये भी भागेगा। भाग रहा है, दिख रहा है आपको, बट अच्छा शेयर है या नहीं है आपको नहीं पता। मार्केट कैपिटल बेहद बहुत थोड़ा है, ओके पूरी नॉलेज जिसने भी अगर जिस यूट्यूबर ने ये एक शेयर बताया था, ओके आप इसे बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा, ओके बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, ओके उसका कमेंट भी गालियों से भरा हुआ था, ओके जिन्हें नॉलेज थी उन्होंने गालियाँ दी, जिन्हें नॉलेज नहीं थी वो अप्रिशिएट करने लग गए, ओके तो मैं उन अप्रिशिएशन वालों को भी कहता हूँ कि दूर रहिएगा, 2 रुपये 4 रुपये का शेयर देख के बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। देखिए 1 डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन, 129 अपर सर्किट लग गया। 5 डेज का देख लीजिए, डेली अपर सर्किट लग रहा है, ओके ऑपरेटर आपके साथ खेल रहे हैं। 1 मंथ का देख लीजिए, 69 का सीधे भागे जा रहा है, ओके 6 मंथ का देख लीजिए, ओके जहाँ पर सब शेयर दिखाना चाहता हूँ आपको एक कंपेयर करके, जहाँ पर सब शेयर अप्रैल में, ओके कहाँ पर मार्च में अप्रैल में, ओके गिर रहे थे, आपने देखा था कि किस तरीके शेयर गिरे थे, एयरटेल देख देख लेते हैं, मार्च में सब शेयर गिरे थे, ओके कहाँ पर, यहाँ पर मार्च में, यहाँ पर देख लीजिए 3600 रुपये पे, ओके कोई अगर शेयर फरवरी में 3600 रुपये पे चल रहा था, ओके वो 31 तक आया, सब शेयर गिर रहे थे, ठीक है 50-50, 60-60, 70-70% शेयर गिर रहे थे, बट ये शेयर भागता रहा है, भागता रहा है, भागता रहा है, ओके तो आप देखिए रिलायंस गिरा था 1300 का शेयर, 800 रुपये पे दिख रहा था, आज का तो परफॉर्मेंस अच्छा है ही, क्योंकि अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, तो इसलिए बढ़ना ही था। TCS देख लीजिए, 2200 का शेयर आपको कितने में मिल रहा था, 1600 रुपये में मिल रहा था, 2300 रुपये तक अभी तक गया है, अच्छी कंपनी है, गिरे अच्छे खासे गिरे, कहाँ पर 2200 का शेयर 1600 रुपये पे आपको मिल रहा था, कितनी बड़ी गिरावट हुई है आप खुद देख लीजिए, लगभग 22% ये शेयर गिरा है, ओके 22 से 30%, ऐसी रिलायंस भी गिरा है, हाफ रेट हो गया था रिलायंस का, बट ये शेयर गिरा ही नहीं और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट अब आगे की पिक्चर देखिए, आगे की पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर लेके गए 58 रुपये तक, खेलते गए खेलते गए खेलते गए और फिर इसे गिरा दिया 13 रुपये पे आ गया। फिर 5 ईयर्स का एक बार देख लेते हैं, 5 ईयर्स का क्या सीधे मैक्सिमम दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंपनी लिस्ट 2014 में हुई थी, 1102 रुपये का शेयर था, ओके यहाँ पर देखिए 5000 रुपये, 5200 रुपये के लगभग ये शेयर गया है, कितने टाइम में देख लेते हैं, लगभग 350% के रिटर्न दिए हैं, ओके 2014 से 2015 एक साल के अंदर अंदर इसने अच्छे खासे रिटर्न, एक साल भी नहीं कहेंगे 6 महीने कहेंगे, 6 महीने में आपको इस तरीके के बेहतरीन रिजल्ट इसने पेश किए हैं, लोग अट्रैक्ट हुए, लोग गए और जहां पर ये 52 तक पहुंचाया और 52 से क्या गिराया है, ओके जिन्होंने भी निवेश किया होगा बर्बाद। फिर ऊपर थोड़ा सा दिखाया, फिर बढ़ाया, फिर देखिए चार्ट पैटर्न देखिए, चार्ट पैटर्न सब चीज़ दिखाते, और वो जो यूट्यूबर था उसने चार्ट पैटर्न नहीं दिखाया, उसने बस यहाँ पर दिखाया आपको, देखिए 2 रुपये का शेयर कितना हो गया है, ठीक है उसने दिखाया, देखो 2 रुपये का शेयर यहाँ पर कुछ कहीं पर 2 रुपये का शेयर आया होगा, ओके कि 2 रुपये का शेयर, और थंबनेल भी इतना अच्छा बना देते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वीडियो देखते हो और फिर जाके इन्वेस्ट कर देते हो। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव चीज़ों पर मत फंसिए, ओके ये देखो 15 रुपये पे शेयर 2020 में और अभी कहाँ चल रहा है 120। तो इस तरीके से ये शेयर जहाँ 5200 रुपये का हुआ करता था 5200 रुपीज़ का, ओके और अब गिरता जा रहा है, गिर के कितना आ गया 2 रुपये पे, 5200 रुपीज़ का शेयर 2 रुपये पे आ गया। आप देखिए ना, आप क्या ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जिसने 5200 में लिया होगा और अगर उसने 1 लाख रुपये भी इन्वेस्ट कर दिया होगा उसका तो जीरो हो गया। तो ऐसे शेयर की तरफ मत बढ़िए, और वो यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा मैं, बट वो उसने ये शेयर बता के, मैं उसे फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था काफ़ी दिन से,
बट उसने यहाँ पर इस ये देखे ना, उसने ये वीडियो देखे तो पूरा इंटरेस्ट खराब कर दिया। 2 रुपये मतलब कुछ बताया नहीं, हाँ देखिए मैं 2 रुपये का शेयर ले आया हूँ, 129 पे पहुँच गया है और इस तरीके के रिटर्न देगा। तो मत फॉलो करिए ऐसे यूट्यूबर्स को, ओके अपना खुद का भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 रुपये का शेयर 129 पहुँच गया है, ये चाहे तो ऑपरेटर का खेल होता है, ये ऑपरेटर अभी आपको 129 नहीं ओके 12,000 तक पहुँचा सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा ओके। और फिर निकलना भारी हो जाएगा, अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चल रहा है ओके, तो आप निकल भी नहीं पाएंगे अगर आप सोचेंगे हाँ ठीक है मैं अभी लगा देता हूँ, ये 12,000 तक पहुँच जाएगा। 12,000 तक पहुँच जाएगा नो डाउट, फिर 12,000 से किस तरीके से वो बेच के निकल जाएंगे ना, तो आपका 0 रुपये हो जाएगा और आप शेयर मार्केट छोड़ दोगे और फिर कहोगे शेयर मार्केट गंदा है, शेयर मार्केट बुरा है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ इस तरीके के शेयर में मत फंसिए, 2 रुपये कमा लीजिए ओके, 1 रुपये कमा लीजिए ओके, और सबसे अच्छा है कि कुछ भी मत कमाइए ओके, जो है उसी में खुश रहिए, बट इस तरीके के गंदे शेयर में बिल्कुल भी मत फंसिए। अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है ब्लू चिप कंपनी में करिए, रिलायंस में कर लीजिए, TCS में कर लीजिए, इन्फोसिस में कर लीजिए, HDFC बैंक में कर लीजिए, ICICI बैंक में कर लीजिए, Nifty 50 में इतनी सारी कंपनियां हैं, बेहतरीन कंपनियां जो जो पूरे मार्केट को चलाती है, पूरे देश को चला रही है, ऐसे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए ना। ट्रांस ग्लोब जो भी कर रहा है ओके, जैसे भी कर रहा है, मैंने बस इसका चार्ट पैटर्न देखा है अभी ओके, और थोड़ी सा देखा है कि क्या काम करती है। तो मत फंसिए, फंसेंगे बुरा फंसेंगे और आप कभी निकल भी नहीं पाएंगे और इसे छोड़ देंगे। तो इसलिए आपसे विनती है कि ऐसे यूट्यूबर को भी फॉलो मत करिए, ऐसी वीडियोस को भी फॉलो मत करिए, और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी जरूर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लीजिए ओके, और कूद मत जाइए। और अगर इस तरीके का छोटा शेयर है ना, और कोई आपको टाइटन का एग्जाम्पल देता है, कोई MRF का एग्जाम्पल देता है, या कोई बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल देता है, कुछ शेयर होते हैं जो डिजर्व करते हैं, और वो शेयर 5 रुपये 2 रुपये 12 रुपये के तब हुआ करते थे 20 साल 25 साल पहले। आज जब शेयर लिस्ट होते हैं तो 800 रुपये पे लिस्ट होते हैं, 500 रुपये पे लिस्ट होते हैं, 400 रुपये पे लिस्ट होते हैं, 200 रुपये पे लिस्ट होते हैं ओके। आज शेयर 12 रुपये 2 रुपये नहीं, आज का हिसाब आज और कल में काफ़ी डिफरेंस है। तो उन्हें फॉलो मत करिए, मल्टी बैगर 2 रुपये का शेयर 129 हो गया है, 2 रुपये का शेयर आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, ऐसे इन्वेस्ट मत करिए। अगर कर भी रहे हैं ओके, अगर गलती कर दी है तो अब भुगतने का तो पड़ेगा ही, अगर नहीं किया है और अगर करना भी चाहते हैं तो वैसे तो पहली बात करिए ही मत, नेगेटिव कहूँगा, अगर करना भी चाहते हैं तो केवल 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये एक शेयर इस तरीके से कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए वरना शेयर बाजार को छोड़ दोगे ओके। प्रॉफिट क्या लॉस में जाके शेयर बाजार को छोड़ दोगे और फिर गालियाँ दोगे उस यूट्यूबर को भी ओके, गालियाँ दोगे शेयर बाजार को भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये नॉलेज सारी तरफ स्प्रेड करिए, लोगों रिश्तेदारों की तरफ, शेयर जो मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो करना चाहते हैं, ताकि वो इस सारी चीज़ों से अवेयर रहे कि किस तरीके से 1,000 का शेयर 5,200 तक पहुँचा और फिर अब 2 रुपये पे आके 129 पर ट्रेड कर रहा है, और फिर दोबारा वही चाल चल रही जा रही है। तो ये शेयर ये इस वीडियो को आप फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो इस तरीके की वीडियो से बच सके, इस तरीके के यूट्यूबर से बच सके ओके, जो आपको फंसाते हैं, आपको गंदे शेयर बताते हैं और आप डूब जाते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और किस तरीके का भी फ्रॉड होता है होने से आप बचे रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।